नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्ड प्रोडक्ट के बारे में। फोर्ड में अपने पास 3 से 4 गाड़ियाँ आती हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फिगो से। आप जैसे कि देख रहे हैं फोर्ड के अंदर फिगो आती है, फ्री स्टाइल आती है, इको स्पोर्ट आती है, साथ ही एक एंडेवर भी आती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले फिगो से स्टार्ट करना चाहूँगी। फिगो की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको डीजल और पेट्रोल दोनों के अंदर प्रोवाइड होती है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 693 से अपने पेट्रोल में स्टार्ट होती है, साथ ही 1015 तक अपना डीजल में इसका टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा। पेट्रोल में अगर मैं बात करूँ तो 96 PS पावर है, साथ ही डीजल में अगर अपन बात करें तो 100 PS पावर है। तो गाड़ी काफ़ी पावरफुल, साथ ही सेफ्टी फीचर्स भी हैं, और जैसे कि फोर्ड की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अगर मैं बात करूँ फ्री स्टाइल की, तो फ्री स्टाइल में भी आपको ये दोनों इंजन प्रोवाइड होते हैं, डीजल एंड पेट्रोल दोनों। इसके सेम अगर पेट्रोल की मैं बात करूँ तो 96 पावर आपको मिलेगा, डीजल के अंदर वही अपना 100 PS पावर आ जाएगा। साथ ही प्राइस की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो पेट्रोल के अंदर ये अपने को 858 ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट है, साथ ही डीजल के अंदर अपने को 1093 ऑन रोड प्राइस है इसकी। इसकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो अपने को ये 6 कलर में अवेलेबल है, और सेफ्टी और पावर की अगर अपन बात करें तो बेस्ट इन क्लास है। साथ ही अगर मैं बात करूँ इको स्पोर्ट की, तो इको स्पोर्ट आप देखेंगे 2013 से लॉन्च कार है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और अभी तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। इसके कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 7 कलर में अवेलेबल है, साथ ही पेट्रोल के अंदर ये 977 से स्टार्ट है, साथ ही डीजल में अपने को पड़ेगी 1081 की। कलर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अपने 7 कलर अवेलेबल हैं, तो आप ये गाड़ी भी देख सकते हैं, काफ़ी बेटर चॉइस है इस सेगमेंट में अंदर। एसयूवी में अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इको स्पोर्ट ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी इसके एडिशनल एक वेरिएंट की, एसी। अगर जैसे काफ़ी इको स्पोर्ट के कस्टमर को पहले इश्यूज़ होते थे कि स्टेपनी जैसे काफ़ी लोगों को नहीं चाहिए थी बाहर, तो उन्हीं कुछ खास कस्टमर्स के लिए फोर्ड ने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आपको स्टेपनी नहीं मिलती है, इसमें आपको एडिशनल एक स्टेपनी किट मिलता है, पंचर किट, जिसमें आप अपनी गाड़ी का पंचर, जैसे कहीं पे भी अगर गाड़ी पंचर होती है तो आप खुद बना सकते हैं, आपको किसी पंचर वाले को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है ये भी। साथ ही इसके कलर की मैं बात करूँ तो ये 6 कलर में अवेलेबल है, और प्राइस के अंदर मैं बात करूँ तो पेट्रोल में आपको ये 1275 ऑन रोड मिल रहा है, साथ ही डीजल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 1362 के ऑन रोड प्राइस में मिल रही है। तो जिन कस्टमर को अपनी गाड़ी में स्टेपनी नहीं चाहिए तो वो ऐसी मॉडल भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्ड की सबसे शानदार कार फोर्ड एंडेवर के बारे में। जैसा कि आप सबने एंडेवर का नाम सुना ही होगा और देखा भी होगा, ये फोर्ड की सबसे बेस्ट कार है। पावर की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का पावर सबसे बेटर है, लुकिंग वाइज फैब्यूलस है। साथ ही इसमें कलर दिए गए हैं, तीनों कलर बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। डिफ्यूज सिल्वर है फर्स्ट, अपना जो इसमें है डायमंड वाइट है, एंड थर्ड जो कलर है वो ब्लैक कलर। तीनों कलर काफ़ी ज़्यादा चलने वाले हैं, काफ़ी बेटर कलर हैं। साथ ही मैं इसकी प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपको 40 लाख के अंदर प्रोवाइड है। आप इस गाड़ी को 40 लाख के अंदर अपने घर लेकर जा सकते हैं। 40 लाख के अंदर ये 7 सीटर कार आपको इतनी अच्छी कीमत में मिल रही है, साथ ही इसका पावर बहुत बेटर है। ऑफ रोडिंग भी अगर आप करना चाहेंगे तो ऑफ रोडिंग के अकॉर्डिंग ये कार बहुत बेस्ट है। ये गाड़ी आपको सिर्फ डीजल इंजन में प्रोवाइड होती है। दोस्तों, मैंने आपको फोर्ड की सारी तमाम गाड़ियों के बारे में जानकारी दे दी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा सारी जानकारी मिल गई हो तो प्लीज़ KS फोर्ड जयपुर प्रताप नगर में विजिट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।